Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is what's important, time or money. आज ना एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि आखिर इम्पोर्टेंट है क्या, टाइम ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि दोनों ही इम्पोर्टेंट है, इनके बीच की रिलेशनशिप है क्या, कैसे बैलेंस मेंटेन करना है लाइफ का मनी का। तो आज ना बहुत ही डिटेल में अमेजिंग तरीके से हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आज के टॉपिक के अंदर, व्हाट्स इंपॉर्टेंट, टाइम और मनी। बड़ी ना एक कॉमन सेइंग है और कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि टाइम इज मनी, टाइम मनी है। सुना है आपने? आपने भी सुना है? ओके, तो क्या वाकई ही टाइम मनी है या टाइम इज नॉट मनी? टाइम टाइम है और मनी मनी है, आखिर क्या है? आज पूरी तरह से डीकोड कर देते हैं आज के 5 AM के कैश फ्लो मास्टरी सेशन के अंदर। देखिए, टाइम की जब मैं आपसे बात करता हूं ना, तो टाइम एक लिमिटेड रिसोर्स है, यानी कि हर किसी के पास 24 आवर्स है एक दिन के अंदर, और जब वो समय निकलता चला जा रहा है, निकलता चला जा रहा है, निकलता चला जा रहा है, तो निकलता ही चला जा रहा है। जैसे लाइफ है ना, तो लाइफ के अंदर क्या काम करती है, एंट्रोपी काम करती है। अगर किसी का जन्म हुआ है तो अल्टीमेटली उसने जाना ही है, किसी ने जाना है 100 साल में, किसी ने 80 में, किसी ने 60 में, किसी ने 100+ भी कर जाना है, लेकिन अब उसका कितना समय वो लेकर आया है वो तो ऊपर वाला ही जानता है कितना समय है। लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जीवन और मृत्यु का जो सफर है ना, वो अथाह सत्य है, और इसके अंदर जब समय एक फिनाइट रिसोर्स है तो वो लिमिटेड है, लिमिटेड है, और वो नॉन रिन्यूएबल मनी है, नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि एक बार जब टाइम निकल गया तो निकल गया, अब दोबारा से ना अपनी लाइफ के अंदर उतने टाइम को वापसी नहीं लेके आ सकते। मोमेंट गई तो गई, लाइफ इज गोइंग मोमेंट बाय मोमेंट बाय मोमेंट, तो क्यों ना सेलिब्रेट करें एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ को। तो लिविंग लाइफ मोमेंट बाय मोमेंट एंड सेलिब्रेटिंग एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, अगर ये ही कोर मंत्रा बन जाए लाइफ का तो कितना मजा आ जाए ना। टाइम जो है ना, उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। कैसे? जैसे कि आपने चूज किया कि अभी ना मुझे फैमिली के साथ टाइम इन्वेस्ट करना है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि जब आप फैमिली के साथ में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस समय पर जो आपने कहीं और जाना था वहां पर नहीं जा रहे। अच्छा, अगर आप कहीं और चले गए हो तो फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो। अगर आपने एक कस्टमर के साथ में दिल्ली में फिजिकल 1-to-1 मीटिंग कर रहे हो, तो यानी कि चेन्नई की मीटिंग आप उस दिन नहीं कर पाओगे। तो टाइम के साथ बिना, ये बड़ा मजेदार फिनोमिना है जिसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, टाइम एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो यानी कि ये वाला टाइम कहां पर इन्वेस्ट करोगे, जहां पर नहीं कर रहे हो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये बहुत 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 बड़ी बात है। एक बार अगर आपने इसको समझ लिया ना कि मेरा टाइम आखिर इन्वेस्ट जिंदगी का हो कहां पर रहा है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है। आज समझ लो, आज के 5 AM सेशन के अंदर क्या समझ लो कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, पूरी तरह से डिपेंड कर रही है कि आप टाइम को कैसे एलोकेट कर रहे हो। लेजर के लिए कर रहे हैं, रिलैक्सेशन के लिए कर रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं, कितना कितना कितना, और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं कितना, ये सब चीजें ना कंट्रीब्यूट कर रही हैं आपकी हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ को और ओवरऑल वेल बीइंग को। यानी कि टाइम जो कि एक लिमिटेड रिसोर्स है, जो कि नॉन रिन्यूएबल है, जो आपने एक जगह पर अगर लगाया तो दूसरे पर नहीं लगाया, तो जहां नहीं लगाया वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है,
तो पूरी तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ कहाँ पर डिपेंड करती है कि इस समय को एलोकेट किया कितना गया है लेजर की तरफ, रिलैक्सेशन की तरफ, रिलेशनशिप की तरफ और पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ, तो फिर एक्सपीरियंसेस। टाइम से हमें क्या मिल रहे हैं? एक्सपीरियंसेस, क्योंकि टाइम ना हमें अलाउ करता है क्रिएट करने के लिए मेमोरीज को। जब ऐसे आप दुबई गए थे, जब आप दुबई गए थे बुर्ज खलीफा के पास खड़े होकर आपने अपनी फैमिली के साथ में जो पिक्चर्स खिंचवाई थी ना, वो आपकी मेमोरीज हैं। जब सिंगापुर में आप गए थे, यूनिवर्सल वर्ल्ड में गए थे, वो आपकी मेमोरी है। जब आपके घर में बेबी आया था, उस समय जब उस बेबी को आपने गोदी में उठाया था, उस समय जो पिक्चर्स आपने खींची थी, फैमिली इकट्ठी थी, वो आपकी मेमोरी है। जब आपने स्कूल क्लियर किया था, आपका रिजल्ट आया था, उसके बाद घर में जिस तरह से आपका स्वागत हुआ था, वो आपकी मेमोरी है। जिस तरह से आपने लॉकडाउन के दौरान लोगों की सेवा की, ऑक्सीमीटर अवेलेबल करवाया, उस समय जिस तरह से स्टैंड लेकर खड़े हुए थे, उस समय के अंदर उसकी कीमत थी। वहां पर जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया था, वो जो एक्सपीरियंसेस है वो कहाँ पर आ रहे हैं? वो टाइम के जोन के अंदर ही आ रहे हैं। उस टाइम जोन के अंदर आ रहे हैं। वो कहाँ पर क्रिएट हो रहा है? वो सारा का सारा का सारा का सारा टाइम के अंदर क्रिएट हो रहा है। आप कह रहे हो जगमोहन ठीक है, समझ आ गई, तो जरा मनी के बारे में भी बता दो। मनी के बारे में भी बता दो तो सुनो मनी क्या कह रही है। मनी के बारे में तो बिल्कुल सीधा सीधा बात करते हैं। जो मनी है ना, वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। यानी कि आपने पैसे स्पेंड कर दिए ना, तो आप फ्यूचर में दोबारा से और कमा सकते हो और अर्न कर सकते हो। अच्छा, आप पैसे को एक्यूमुलेट भी कर सकते हो। जैसे टाइम तो गया लेकिन पैसे का क्या है कि पैसे को आप एक्यूमुलेट भी कर सकते हो। अपने कैश इन हैंड रख सकते हो, अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हो, अपने पास फिक्स डिपॉजिट के अंदर रख सकते हो, गोल्ड में, सिल्वर में, पीपीएफ, किसान विकास पत्र, म्यूचुअल फंड करा लो, लिक्विड फंड करा लो। आप कहते हो कि मैंने तो इंडेक्स फंड में लगाना है, मैंने तो यूएस स्टॉक के अंदर लगाना है, मैंने क्रिप्टो करेंसी के अंदर लगाना है, मैंने प्रॉपर्टी खरीदनी है, रेजिडेंशियल खरीदनी है, कि कमर्शियल खरीदनी है, कि वेयर हाउस खरीदने हैं, कि मैंने तो दूसरों के बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना है, मैंने तो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्ट करनी है, मैंने तो जो कर रहे हैं ना, कर लो। जहां पर भी आप इस रिसोर्स को एक्यूमुलेट करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि मनी तो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है और वेरियस जगह के ऊपर इन्वेस्ट किया जा सकता है। और दूसरा दूसरा है, इसकी ना एक एक्सचेंज वैल्यू होती है मनी की। एक्सचेंज वैल्यू यानी कि जब आपके पास मनी अवेलेबल है ना, तो मनी को आप एक्सचेंज कर सकते हो। कि आपका मन कर रहा है कि आपके घर में ना एक बहुत ही अमेजिंग सा जकूजी होना चाहिए, जकूजी या स्पा होनी चाहिए, तो मनी निकाली अपने लॉकर में से कैश और दे दिया और आ गया जकूजी आपके घर में, या ऑनलाइन पेमेंट कर दी, चेक से पेमेंट कर दी, तो मनी से आप जकूजी खरीद सकते हो, बेड खरीद सकते हो, मनी से आप कार ले रहे हो, मनी से आप एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू डिजायर यू कैन एक्सचेंज। बिकॉज मनी का नेचर क्या है? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि मनी आपकी लाइफ में खुशियां भी भर सकती हैं। अब सोचो, मनी की जो पावर थी वो उन सब रिसोर्सेस को लेकर आ सकती है अपनी लाइफ के अंदर एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो क्या हम उतना वाइजली बैलेंस मेंटेन करके यूटिलाइज कर रहे हैं कि सिर्फ इकट्ठी हो रही है, बैंक बैलेंस ही बनते चले जा रहे हैं? ओके, आप कह रहे हो ठीक है जीवन, समझ आ गई। मनी का अल्टीमेटली जो पर्पस है वो है एक्सचेंज वैल्यू। यानी कि पैसे तो कमाए जा सकते हैं, पैसे तो स्टोर किए जा सकते हैं, पैसे तो इन्वेस्ट किए जा सकते हैं, और पैसे से तो कुछ भी खरीदा जा सकता है। ये आप समझ रहे हो मनी के बारे में, टाइम के बारे में समझने के बाद। तो फिर मनी के अंदर ना आप ट्रेड ऑफ भी कर सकते हो। ट्रेड ऑफ क्या हो गया? देखिए, जब आपके पास पैसे हैं तो आप ना अपने टास्क डेलीगेट कर सकते हो। जो काम आप करते हो, आप कहते हो कि अब मैं नहीं कर रहा ये काम, तो ये काम करूंगा तो लाइफ आगे बढ़ेगी, तो अब मैं ये काम नहीं कर रहा। जैसे कि आपने अपने घर के अंदर एक सर्वेंट भी रखा, मेड रखी आपने, तो आपने ट्रेड ऑफ कर लिया अपनी कन्वीनियंस के लिए, टास्क डेलीगेट कर दीजिए, बाय कर लिया। किसको? रिसोर्स को बाय कर लिया।
अपनी कन्वीनियंस के लिए, यानी कि ट्रेड ऑफ कर सकते हो। तो मनी कैन ब्रिंग दैट थिंग इन योर लाइफ, कर सकते हो आप, ट्रेड ऑफ कर सकते हो मनी को, इतनी पावर है मनी के अंदर। इंप्लॉई आपकी कंपनी के अंदर, टीम मेंबर्स हैं आपके साथ में, उनको आपने सारे के सारे प्रॉपर सिस्टम प्रोसेसेस बना के टास्क डेलीगेट कर दिए, कर सकते हो ना। मनी बहुत ही डीप है आज का सेशन, जरा देखो बहुत ही डीप है। और क्या कर सकते हो, ये मनी ना आपको क्या दे रही है, एक ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे रही है। मनी एक सेंस ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है, और इसके अंदर एबिलिटी होती है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को मीट करने की। यानी कि आपने क्या किया कि अपने पास 12 मंथ्स का, आपने क्या किया, अपने पास 12 महीने का एक एमरजेंसी कैश रिजर्व क्रिएट करके चले। आज आप जो भी अर्न करते हो, जो भी अर्न करते हो मंथली मंथली जो भी अर्न करते हो, आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो तो डायरेक्टर सैलरी लेते हो, तो जितनी डायरेक्टर सैलरी लेते हो, देखो कंपनी का प्रॉफिट तो कंपनी का है क्योंकि कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी है। अब कंपनी में से ये थोड़ी कि उसका सारी कंपनी मेरी है, सारा प्रॉफिट मेरा है, कभी भी निकाल लूंगा। निकाल के देखो जरा बिजनेस में से, कभी भी कुछ भी निकालोगे बिजनेस के अंदर से, तो सप्लायर की पेमेंट डिले हो जाएगी, कंपनी में वर्किंग कैपिटल शॉर्टेज आ जाएगी, कंपनी के अंदर इनडिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा। कंपनी डिफरेंट है, आप डिफरेंट हो। अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हो, पार्टनर हो, तो सैलरी लेते हो। अगर आप प्रोप्राइटर हो, तो आप एक कंसिस्टेंट तरीके से ड्राइंग्स को विड्रा करते हो। अब जितना आप विड्रा करते हो, उसके 12 गुना का, 12 टाइम्स का आपके पास क्या होना चाहिए, एमरजेंसी कैश रिजर्व होना चाहिए। 6 महीने का कैश रिजर्व है एमरजेंसी मीट करने के लिए, बाकी 6 महीने का कैश रिजर्व है अपॉर्चुनिटी फंड। कोई आपके पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आई तो अभी फॉर द टाइम भी वहां से लेके इन्वेस्ट कर दिया, और फिर दोबारा से 12 महीने के बराबर का कैश रिजर्व क्रिएट कर दिया। दैट मीन टू से कि मनी ने ना आपकी जिंदगी को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे दी है, दे दी है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। किसने, मनी ने। तो फिर मनी को मैंने बताया आप इन्वेस्ट तो कर ही सकते हो, क्योंकि मनी जो है ना काम करती है, मनी वर्क एज हार्ड एज यू डू द वर्क। लेट द मनी वर्क फॉर यू, लेट द मनी वर्क फॉर यू। क्योंकि पैसा भी अगर आप एफडी में भी गिरा दोगे ना, तो 6-7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ता चला जाएगा। लिक्विड फंड में डाल दो, म्यूचुअल फंड में डाल दो, सिप में डाल दो, इंडेक्स में डाल दो, जहां कहीं पड़ा हुआ है राइट तरीके से अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो आप तो जो मेहनत कर ही रहे हो, साथ में मनी भी मेहनत कर रही है, और वो ग्रो और फ्लरिश होती चली जा रही है, तो वो भी बढ़ती है। टाइम बढ़ता नहीं, टाइम बढ़ता नहीं, टाइम तो लिमिटेड रिसोर्स है, वो रिन्यू भी नहीं होता, वो इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते, वो अपने आप से बढ़ता भी नहीं है। अब पता लगा, टाइम अलग है मनी अलग है, टाइम अलग है मनी अलग है। आपने कहा जिंगोन यार आपने तो बड़ी डिटेल में आज ना इस टॉपिक के अंदर एक चर्चा छोड़ दी है कि जब आम तौर पे लोग कहते हैं कि टाइम इज मनी, इतने सालों से सुनते चले जा रहे हैं, तो समझना है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या टाइम, इंपॉर्टेंट है कि मनी इंपॉर्टेंट है। तो आपने टाइम के करेक्टरिस्टिक्स देखे, लिमिटेड रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, और आपने एक्सपीरियंस के बारे में समझा, और मनी के एट्रीब्यूट समझे आपने, रिन्यूएबल रिसोर्स है मनी, एक्सचेंज वैल्यू होती है उसकी, ट्रेड ऑफ कर सकते हो उसको, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, और उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, ये समझ गए हो। तो फिर मैं आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ, मैं आपको लेके जा रहा हूँ सीधा का सीधा कंक्लूजन की तरफ, कंक्लूजन की तरफ, कंक्लूजन की तरफ। क्या है कंक्लूजन, कंक्लूजन पता क्या है, टाइम ना बड़ा ही प्रीशियस रिसोर्स है, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल है ना। टाइम क्या है, बहुत 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 प्रीशियस रिसोर्स है। अगर इस दुनिया में सबसे प्रीशियस कोई चीज है ना, तो वो टाइम है, वो टाइम है। तो फिर जुगनू क्या करे, फर्स्ट फर्स्ट लेट टाइम क्रिएट मनी। आहा, पहले लेट टाइम क्रिएट मनी, टाइम इज नॉट मनी, लेट टाइम क्रिएट मनी। तो फिर देन लेट मनी क्रिएट टाइम। वाह वाह वाह, यस यस यस, यू गॉट इट।
दिस इज दी जेन मोमेंट, दिस इज दी आहा मोमेंट। ये हो गया आपका 5 AM कैश फ्लो मास्टरी आज की डेट में पूरी तरह से सक्सेसफुल। क्या समझे, क्या समझे कि टाइम जो है वो सबसे प्रीशियस रिसोर्स है, और इस टाइम को हम इस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं कि वो मनी क्रिएट कर रहा है। टाइम मनी क्रिएट कर रहा है, और फिर मनी जो है ना वो आपके लिए टाइम क्रिएट कर रही है। अब कर रहे हो आप डेलीगेट, अब उन रिसोर्सेस को अपनी लाइफ के अंदर लेकर आ रहे हो जो और टाइम क्रिएट करता है। अब और टाइम क्रिएट हो रहा है आपकी जिंदगी के अंदर, तो उस टाइम से आप और मनी क्रिएट कर रहे हो। और मनी क्रिएट हो रही है तो उस मनी से अब आप और टाइम क्रिएट कर रहे हो, बाय डेलीगेशन, बाय हैविंग टीम, बाय हैविंग ऑर्गेनाइजेशन, बाय हैविंग सिस्टम, बाय अपॉइंटिंग द बेस्ट वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट इन योर लाइफ, इन द एरिया ऑफ बिजनेस, इन द एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी, इन द एरिया ऑफ मार्केटिंग, इन द एरिया ऑफ फाइनेंस, इन द एरिया ऑफ कैश फ्लो। यहाँ पर बेस्ट टू बेस्ट कंसल्टेंट आप हायर कर रहे हो, उनके साथ बात करते हो, वो आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को और नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाते हैं, जिसकी वजह से आप उस टाइम को इन्वेस्ट करके और मनी कमाते हो, और मनी से आप और टाइम क्रिएट करते हो बाय फ्रीइंग अप योर टाइम इन ऑल दोज मैटर जहां पर अनप्रोडक्टिव काम हो रहे थे। यानी कि आप अब ना मैनेज कर रहे हो मनी को, मैनेज कर रहे हो मनी को कैश फ्लो मास्टरी के द्वारा। तो कहावत है ना कि पैसा कमाना आसान है, पैसा संभालना उससे मुश्किल है। तो पहले आपने टाइम का इस्तेमाल करते हुए पैसे कमाए, पैसे ने और टाइम क्रिएट किया, और ये जो पैसा क्रिएट हो रहा है वो कैश फ्लो की मास्टरी के द्वारा आप उसको मैनेज करते चले जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो। तो आप कह रहे हो कैसे 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 जीवन, कैसे ये आहा मोमेंट तो आ गई, तो कैसे बैलेंस बना के, बैलेंस बना के किसके अंदर, टाइम और मनी के अंदर बैलेंस बना के वो कैसे बनता है, देखिए स्पेंडिंग मनी टू सेव टाइम, ठीक है ना। तो अब आप सर्विसेज लेते हो, प्रोडक्ट लेते हो ताकि आपका टाइम और एनर्जी बचे, ताकि आप फोकस कर सके उन वैल्यूबल एक्टिविटी के ऊपर जहां पर आपको फोकस करना है, और आप अपना टाइम स्पेंड करते हो मनी सेव करने के लिए। कैसे, जब आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो नया स्किल सीखने के लिए, नया स्किल सीखते हो, अब क्या कर रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो वहां पर नया स्किल सीखा, और जो काम आपको ही करने हैं वो आपने ही कर दिए, जो काम आपके करने वाले हैं। मान लीजिए आपने कोई चेयरमैन हायर कर दिया या सीईओ हायर कर दिया, आपको पता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आपको चेयरमैन या सीईओ की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको जो रिक्वायरमेंट है वो तो आपकी अपनी खुद की है। तो उसको अरबों खरबों रुपए देने की जगह आपने कुछ समय के लिए वो काम अपने पास रखा, तो आपने क्या किया, टाइम को स्पेंड किया और ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी को सेव किया, इससे और मनी क्रिएट हुई। लेकिन जब आपको लगा कि हाँ भैया वो समय आ गया है, तो अब आपने सीईओ को या उस चीज को हायर करके अपने टाइम को बचा लिया, एनर्जी को बचा लिया, ताकि अब आप फोकस कर सके ज्वाइंट वेंचर के ऊपर, कोलैबोरेशन के ऊपर, फॉरेन ट्रेड के ऊपर, या आप कोलैबोरेट कर सके उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जहां पर आपको करना है। आप कह रहे हो कि जगमोहन आज तो ना तुमने पूरा का पूरा क्रिएट कर दिया है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ है जानो आपकी, आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ना आप ही के हाथ में है, क्योंकि अब आपने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया टाइम फॉर वर्क, पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप, लेजर, एक्टिविटी, जिससे कि अब आप फुलफिलिंग लाइफ को जी पा रहे हो। और अब आप पूरी तरह से कहाँ पर फोकस करते हो, कहाँ पर करते हो, आप पूरी तरह से फोकस करते हो ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर, सेव भी कर रहे हो, इन्वेस्ट भी कर रहे हो, इससे आपको सिक्योरिटी भी मिल रही है और अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है फ्यूचर में ग्रो करने की। तो आज की ना इस स्पेसिफिक शॉर्ट सिंपल एकदम टू दी पॉइंट टॉपिक के अंदर ना मैं आपको ले गया, कहाँ पर ले गया मैं आपको, मैं आज आपको ले गया रिलेशनशिप ऑफ टाइम और मनी के बीच में, टाइम और मनी के बीच में। बताओ बताओ मेरे साथ आज लाइव हो, आप लाइव हो तो मुझे अब ना चैट बॉक्स में अभी टाइप करके बताओ, अभी चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि क्या मिला, क्या मिला आज के सेशन के अंदर, क्या मिला टाइम और मनी के सेशन के अंदर, क्या ओपन अप हुआ,
जो भी ओपन अप हुआ ना, अभी जो भी दिमाग में चल रहा है आपके, लाइव हो आप 5 AM, सभी सो रहे हैं, सभी सो रहे हैं और आप जाग रहे हो, आप क्रिएट कर रहे हो, और आप मेरे साथ आज सैटरडे, ओए होए, मतलब क्या डिवाइन मोमेंट क्रिएट हो रही है। सोचो आपकी लाइफ के अंदर अब आप कैसे टाइम के एरिया में, क्वालिटी ऑफ लाइफ के एरिया में, मनी के एरिया में क्या कमाल करने वाले हो, क्या कमाल करने वाले हो। तो जरा बताओ, जरा चैटबॉक्स में टाइप करके। सुशील धवन जी कह रहे हैं कि जगो यार, गुड सेशन है, गुड, मजा आ गया। हाँ, के मिश्री जी कह रहे हैं कोरिलेशन ना पूरी तरह से अब समझ में आ गई है कि पहले टाइम जो है वो मनी को क्रिएट कर रहा है और मनी जो है वो टाइम क्रिएट कर रही है। कैसे? टाइम बचा के, टाइम की एफिशिएंसी क्रिएट करके। अरे वाह, सुशील जी कह रहे हैं कि देख भाई जगो, ऐसा है, ये जो रिलेशनशिप वो टाइम की मनी की है ना, वो तो समझ में आ गई है। दैट मीन टू से कि टाइम इज मनी, ये ना लोग कहते हैं, ये सिर्फ वही लोग कहते हैं जो कहते हैं। आज की कंटेक्स्ट में इसकी डेफिनेशन बदल चुकी है। टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज टाइम, मनी इज मनी, दोनों के दोनों प्रीशियस रिसोर्सेस है, पूरी तरह से हमारी एजुकेशन और स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। शिवम कुमार जी ने कह दिया कि गॉट टू नो क्लियरली, क्लियरली पता लग गया है कि टाइम क्या है और उसको कैसे यूटिलाइज करना है क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, और मनी को तो रिन्यूएबल रिसोर्स है, उसको तो कमा देना है और उसको अपने लिए काम करने देना है। तो सेल्वम रामाकृष्णन जी कह रहे हैं टाइम इज वेस्टेड एवरी डे, बहुत बड़ी बात आपने ह्यूमैनिटी का ट्रुथ बता दी। अरे बाबा, जब इतना 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 प्रीशियस रिसोर्स है टाइम, जब इतना प्रीशियस रिसोर्स है टाइम, तो सेल्वम भाई ने सुबह 5 बजे क्या बोल दिया है? वो कह रहे हैं कि टाइम ना हम वेस्ट कर रहे हैं एवरी डे बाय डूइंग अनवांटेड थिंग, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। अरे बाबा, लिमिटेड लाइफ है, आपका पैशन देखो, आपकी आपका पैशन कहाँ पर है, आपकी एनर्जी कहाँ पर जाना चाहती है, क्या क्रिएट करना चाहते हो, कितने मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ को इम्पैक्ट करना चाहते हो, राइटिंग में कुछ क्रिएट करना चाहते हो, रिकॉर्ड करके कुछ क्रिएट करना चाहते हो, लोगों से मिलना चाहते हो, ट्रेवल करना चाहते हो, फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, जो करना चाहते हो, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, धर्म के लिए, रिलीजन के लिए, प्यार के लिए, लव के लिए, अड़ोसी के लिए, पड़ोसी के लिए, जो करना है, टाइम है कहां पे? तो टाइम, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऐसे वेस्ट कर रहे हैं जैसे कि पता नहीं जिंदगी से जाना ही नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों अरबों साल पड़े रहेंगे यहाँ पे और हम ना जा रहे हैं। हाँ, सूरज चंदा की तरह हम भी जो है पृथ्वी पर ही रहने वाले, ऐसा नहीं है। सैलोन जी ने बोल दिया है कि टाइम ना वेस्ट कर रहे हैं एवरी डे बाय डूइंग अनवांटेड थिंग ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। इस टाइम को मनी क्रिएट करने में भी यूटिलाइज किया जा सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने में किया जा सकता है। अब नितिन जैन जी ने तो बड़ा क्लियरली बोल दिया है, वो कह रहे हैं कि विद ग्रोथ इन मनी वी ऑफन मिस द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ मनी टू क्रिएट टाइम। एब्सोल्युटली, यानी कि पुराने जमाने की आदत पड़ी हुई है कि जब हम बहुत गरीब थे उस समय ना, हम 10 रुपए बचाने के चक्कर में बस में भी नहीं चढ़ा करते थे, बस में नहीं चढ़ते थे, पैदल ही चले जाते थे 10 रुपए बचाने के चक्कर में, और वो आदतें हमारे डीएनए के अंदर ऐसी चली गई हैं कि अब फैमिली के साथ गोवा घूमने के लिए गए हैं और बेटे ने कहा कि एक आइसक्रीम चाहिए, अब आइसक्रीम है 50 रुपए की और हमें मालूम है कि वो आइसक्रीम जो है वो 10 रुपए की मिल जाती है, हमने कहा 10 रुपए की चीज 40 रुपए की मिल रही है, इतनी महंगी है, तो हमने फटाक से डांट दिया अपने छोटे से बच्चे को, अरे इतनी महंगी आइसक्रीम नहीं लेनी है, चल बाद में देखेंगे, ये तो 10 रुपए की मिल जाती है हमारे मोहल्ले के अंदर, छोड़ना। अब बच्चे के दिमाग के अंदर हमने वो न्यूरो पैटर्न कर दिया, अरे गए कहाँ पर थे, गोवा में गए थे, इतने हवाई जहाज की टिकटें खर्च के गए थे, गोवा में गए थे, वहां पर एक मूवमेंट थी, फैमिली के साथ में थे, उस समय जो रिलेटिविटी थ्योरी कहती है, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से आप देखोगे, वहां पर उस मूवमेंट के अंदर जो आइसक्रीम मैजिक क्रिएट कर सकती है आपकी रिलेशनशिप के अंदर, मैं तो कहता हूं कि वो 50 रुपए तो क्या 100 रुपए की है तब भी ओके है, क्योंकि मूवमेंट क्रिएट कर रही है। तो क्या आप उस समय वो 40 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते थे? लेकिन क्या करें, वो
ब्रेन पैटर्न ही ऐसे है, न्यूरो पैटर्न ही ऐसे है, वो टाइम और मनी को ना फिक्स्ड कंपार्टमेंट के अंदर डाल के बैठे हैं। तो पहले टाइम मनी क्रिएट कर रहा है, फिर मनी जो है ना वो आपकी लाइफ के अंदर हैप्पी मोमेंट क्रिएट कर रही है, वो मनी आपकी लाइफ के अंदर और टाइम क्रिएट कर रही है। बहुत डीप समझ लिया है आज आपने इस चैप्टर को, इस एरिया ऑफ लाइफ को। मितिन जी थैंक यू फॉर राइटिंग दिस। देखो आप जब टाइप करते हो ना, अब पूरा सत्संग हो गया सुबह सुबह, पूरा का पूरा मनी और स्पिरिचुअलिटी का सत्संग हो गया। लोग कहते हैं जी मनी और सुबह सुबह मनी, हाँ, मनी इज एनर्जी, मनी इज स्पिरिट, मनी इज स्पिरिचुअलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। तो सेलोन जी ने तो ये कह दिया है, मिस्टर सेलोन रामकृष्णन, एवरी बिलेनियर हैज द सेम 24 आवर्स एज वी हैव बट दे आर सक्सेसफुल। हाउ? क्योंकि उन्होंने टाइम और मनी की मैथमेटिक के रिलेशनशिप को समझ लिया है। पहले टाइम से मनी क्रिएट की, मनी से फिर रिसोर्स क्रिएट किए, वो रिसोर्स फिर वो काम कर रहे हैं जो वो टास्क डेलीगेट कर देते हैं और अपने उस टाइम को और प्रोडक्टिव पे इस्तेमाल करते हैं, फिर वहां से और मनी क्रिएट होती है, तो वहां से फिर और रिसोर्सेस आते हैं। तो टाइम और मनी और टाइम और मनी और टाइम और मनी के आज आपने कोड को डीकोड कर दिया है। और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत 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 बधाइयां, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आप ना उस तथ्य को जानते हो, जिस तथ्य को जानने के लिए कई लोगों ने जनरेशन की जनरेशन लगा दी है, सेकंड जनरेशन आ गई है, थर्ड जनरेशन आ गई है। आज आपने इसको जान लिया है, अब उसको अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करने वाले हो। तो सुशील जी ने राइटली कंक्लूड किया है, डीप कॉम्बिनेशन टाइम एंड मनी, ग्रेट सेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम अहेड। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।